वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर सलान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोलर एग्रेट। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, वेरॉन 2.5 24 वोल्ट में हमने ये इंस्टॉल कर दिया है। तो जैसे कि देख सकते हैं, दो जो है ना, एक ये ग्रीन लाइट जो चली है आउटपुट की, और ये जो रेड लाइट है ये जनरेटर की। टू पर जो है ना सोलर है, वन पे इनका जनरेटर है। ये देखिए आपने यहाँ पर ऑफ की भी है कि ठीक है, यहाँ पर आउटपुट है और ये जो है ना डी सी ब्रेकर है। ठीक है दोस्तों, जो पी वी ब्रेकर है जो हम शनैडर का लगाते हैं अच्छा वाला। अब आप ये देखें, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, अभी जो यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं वो बता देता हूँ कितने फ्री चल रहे हैं। ये देखो 80-82 वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों, 7 के करीब जो है ना एम्पेयर बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये देखें 600 के करीब इनकी, तकरीबन 600-700 के करीब जो है ना इस टाइम बिजली जनरेट हो रही है। देखो 600 से ऊपर जा रही है। ठीक है दोस्तों, 2 एम्पेयर बैटरी को भी चार्जिंग पे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो बैटरी को जो चार्जिंग हो रही है, यानी 27 वोल्ट से हो रही है, यानी कि 27 का भी 50 वोल्ट जो है ना बैटरी को भी जा रहे हैं, यानी कि जो एम्पेयर बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बैटरी हमारी फुल है, 25% का लोड चल रहा है। देखो यहाँ पे बैटरी को मिला के 650 वाट बनते हैं और बैटरी को हटा के तकरीबन 500 वाट बन रहे हैं। देखे दोस्तों, इस पर मैं बता दूँ क्या क्या चल रहा है वो आप लोग को बता देता हूँ। इस पर एक डिस्पी चल रहा है, एक फ्रिज चल रहा है, और ऊपर इनकी लाइटें वगैरह चल रही है, और यहाँ पे जो है ना, ये देखो ये फैन चल रहा है, देखो एक पंखा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी जो है ना, और इसके ऊपर हमने राइजन वालों की, इनब्रेक्स वालों के, मस्टन के दो पैनल लगाए बाय फेशल डबल ग्लास वाले। ठीक है दोस्तों, और उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया, मैं एक दफ़ा और दिखा दूँ आपको करीब से। ये देखो 80-82 वोल्टेज आ रहे हैं, 7 एम्पेयर के करीब आ रहे हैं, बिजली जनरेट 650 के करीब हो रही है। ठीक है, 2 एम्पेयर बैटरी को भी जा रहे हैं, 27-50 वाट जो है ना बैटरी को जा रहे हैं, और ये बैटरी हमारी देखें यहाँ पे 27 फुल हैगी। और ये देखें अभी आगे चलते हैं, 25% का देखें दोबारा लोड है, 600-650 वाट बनते हैं बैटरी को मिला के, और ये तकरीबन 500 वाट बन रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ऊपर जो पैनल लगाएं वो भी आपको मैं ले आके दिखा देता हूँ कि कैसे लगाएंगे। ठीक है, और फिटिंग विटिंग देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको इसमें बैटरी दिखा देता हूँ। असल में बैटरी का ब्रेकर फ्रिज के पीछे है यार दोस्तों। अच्छा, बैटरियाँ कहाँ हैं आप लोग बोलोगे, बैटरियाँ येरी। और अच्छा, ये UPS विदाउट बैटरी भी चलता है। ठीक है, सुनिएगा भाई, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कैबिनेट के अंदर लगवाई है हमसे, ATS वालों की लगाई है दोस्तों, 1800 मॉडल 140 एम्पेयर वाली 12 वाट वाली। ठीक है, ये 12-12-24, क्योंकि 24 का ये जो है ना UPSA का। ठीक है, ये वाली ATS वाली लगाई है क्योंकि इनका बजट थोड़ा सा आउट हो रहा था, तो इन्होंने ये वाली लगाई है, फोनेक्स वाली नहीं लगाई। तो खैर, ये वाले भी ब्रांड अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इनका जो है ना, अभी इस टाइम जो मैंने आपको लोड दिखा दिया, ठीक है, बैटरी दिखा दी, सी आप पैनल दिखा देते, तो मैं आपको काम करने का तरीका कार देते हैं, सब डगपट्टी में और पाइप के जरिए लेकर आए वहाँ से ऊपर से, ताकि 95 फिटिंग का तार लगा, क्योंकि हाइट बहुत है बिल्डिंग की, 3 मंजिल बिल्डिंग है तकरीबन, और जहाँ पर लगाया वो भी बहुत हाइट पर लगाया। ठीक है दोस्तों, ऊपर चलेंगे आपको इंशाल्लाह, अभी पैनल भी दिखा देंगे। तो दोस्तों देखो, ये ऊपर आ गए, देखे डबल गिलास है, मैंने आपको बोला अभी ये D9 का चढ़ने का तो है नहीं, जो मैं ऊपर आके दिखाता हूँ ना आप लोगों को, मैं नीचे से ही दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ से ही देख लें आप, डबल गिलास है और पाइप के अंदर पूरी हमने जो तार डाले सारा पाइप के अंदर, क्योंकि यहाँ गुलेरी हैं वो काट देती हैं, इसलिए हमने ये पाइप के अंदर सारा काम किया, ऊपर ही पाइप के अंदर किया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने हमारा काम करने का तरीका, कितनी फिनिशिंग के साथ साफ सुथरे के तरीके से सारा काम किया है। तो जिस भाई को भी अगर ये हमारी जो है ना काम करवाना हो या कोई कंप्लेन में बुलाना हो, तो स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़। क्या क्या